हमारे YouTube चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है। वो पुरानी यादें। आज के एपिसोड में हम देखेंगे टेलीविजन शो घर वाली ऊपर वाली के बारे में, और क्या आप इस शो को ऑनलाइन देख सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। घर वाली ऊपर वाली एक फैंटेसी शो था। इस शो में दमदार विजुअल इफेक्ट्स के साथ साथ मशहूर फिल्म सेलिब्रिटीज जैसे कि रजत कपूर, अनुपम खेर, संजय मिश्रा ने भी स्पेशल अपीयरेंस दी थी। ये शो स्टार प्लस पर 3 जुलाई 2000 को शुरू हुआ था और इस सीजन का आखिरी एपिसोड 23 जून 2003 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के पॉपुलर होने के बाद इसका सीक्वल भी बनाया गया, जिसका नाम था घर वाली ऊपर वाली और सनी, जो कि 2003 से 2004 तक टेलीकास्ट हुआ। इस शो के कुल 156 एपिसोड्स बने थे और हर एपिसोड 22 से 23 मिनट का होता था। प्राइम चैनल प्रोडक्शंस ने इसे प्रोड्यूस किया था। इस शो को बाद में स्टार उत्सव और डिज्नी चैनल पर रीटेलीकास्ट किया गया था। इस शो की कहानी रवि और उसकी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। रवि अपनी वाइफ पूजा और बेटे सनी के साथ रहता है और साथ ही रवि की एक घोस्ट वाइफ भी होती है, जिसका नाम होता है चांदनी। रवि चांदनी और सनी की शरारतों से परेशान रहता है, जिसके कारण उसकी लाइफ में रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। इन्हीं शरारत भरे किस्सों पर बेस थी इस शो की कहानी। रवि के रोल में थे मुकुल देव, जिन्होंने इसी शो से टेलीविजन की दुनिया में एंट्री की थी। पूजा के रोल में थी निकी अनेजा वालिया। चांदनी के रोल में थी मानसी जोशी रॉय। सनी के रोल में थे मिकी धनजानी। इस शो के सीक्वल में घर वाली और ऊपर वाली दोनों को रिप्लेस कर दिया गया था। पूजा का रोल प्ले किया था सीमा कपूर ने और चांदनी का रोल प्ले किया था श्रुति उल्फत ने। इस शो को बंद करने की कोई खास वजह नहीं थी। दो सीजन कंप्लीट होने के बाद इस शो को ऑफ एयर कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये शो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी इस शो को मिस करते हैं और फिर से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपकी ये रिक्वेस्ट चैनल और प्रोड्यूसर्स तक जा सके और हमें फिर से ये शो देखने को मिले। तो कैसा लगा आपको वो पुरानी यादें सीरीज का ये एपिसोड, और आप अगले एपिसोड में कौन से शो की यादें ताज़ा करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिल्म्स और टीवी की दुनिया से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मो टीविया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।